पिताजी, मैं ताराक से अधिक योग्य और अनुभवी हूँ, फिर भी आपने उसे युद्ध करने भेजा, मुझे नहीं। क्योंकि वो तो केवल एक प्रिय पुत्र है, पर तुम मेरे उत्तराधिकारी हो विदुर मालिन, और तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। जिस पुत्र का पिता ही उसका शत्रु हो जाए तो इस पूरे जगत में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? का द्वार खुल रहा है, सावधान। हमें उनसे पहले अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीति कहती है यदि युद्ध से पहले संधि की तनिक भी संभावना हो तो उसे एक अवसर अवश्य देना चाहिए। अच्छा ही हुआ कि हमने कुमार को पीछे रखा है। कुमार बालक है, अस्त्रों के साथ युद्ध का अनुभव नहीं है उन्हें। कुमार को असुरों की दुष्टता का आभास नहीं है, संधि के बारे में तो सोच भी नहीं सकते वो। कोई रुचि नहीं है। आपने सही सुना, हम असुर मानते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्ग चाहते ना देवराज, हम संधि के लिए तैयार हैं। दे देंगे आपको आपका स्वर्ग और देवताओं सभी असुरों की ओर से मैं ये वचन भी देता हूं कि भविष्य में हम सबको शांति से जीने देंगे। बस एक शर्त है हमारी। कार्तिकी को हमें सौंप दीजिए।
अवतार का सुर तो कुछ अधिक ही चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहा है। देवताओं की सेना अपने सेनापति को शत्रु के हाथ में सौंप देगी, इसकी कल्पना करना मूर्खता है। या फिर कुशल युद्ध नीति, कहीं देवराज इंद्र स्वर्ग के लोभ में हमारे पुत्र को। स्वर्ग के लिए तुम्हें कुमार को सौंपते? प्रस्ताव बुरा तो नहीं है। यदि असुरों की कुटिल दृष्टि से देखा जाए तो कितनी आसानी से तुम भूल गए कि कुमार हमारे सेनापति हैं, देव सेना का गौरव है। तुम असुरों से तो ऐसी ही मूर्खता की आशा थी। अब इस अपमान का उत्तर मेरा यह अस्त्र देगा। रुकिए, इतने क्रोधित मत हो ये देवराज। असुरों का प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं है कि विचार किए बिना ही ठुकरा दिया जाए। जब तारकासुर स्वयं अपने काल को अपने पास बुला रहा है तो मैं क्यों ना चले ही जाऊं। सीधे उसका सामना करूंगा तो निर्दोषों का रक्त बहाए बिना ही इस युद्ध का अंत कर पाऊंगा। क्या चल रहा है कार्तिकेय के मस्तिष्क में? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? हम यहां समर्पण करने नहीं, युद्ध करने आए। और वैसे भी हम आपको इतने संकट के मुख में नहीं भेज सकते। आप तारकासुर का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे कुमार। तुमने ऐसा प्रस्ताव देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ना तो तुम संधि के योग्य हो और ना ही क्षमा के। देवताओं का कोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! आप यही प्रतीक्षा कीजिए कुमार, सेना की एक टुकड़ी सेनापति की रक्षा करेगी, बाकी सब मेरे पीछे आए। देवताओं को लगता है कि हम इनसे भयभीत हैं, किंतु हमारी योजना कुछ और ही है। Ah!
देवताओं, दुर्ग द्वार को भेदने में हम सफल रहे, अब विजय निश्चित है। महल की ओर बढ़ो। ये क्या हो रहा है देवराज? छली असुरों ने हमें अपने माया जाल में फंसा लिया है। और उधर रणभूमि में कार्तिकेय बस कुछ ही सैनिकों के साथ हैं। प्रभु अब क्या होगा? प्रभु अब क्या होगा? ये कैसे संभव है? आश्चर्य हो रहा है, आंखों के सामने इतना विशाल दुर्ग लुप्त हो गया। वास्तविकता में तो देव सेनापति यहाँ पे दुर्ग था ही नहीं, यहाँ पे तो हमारा माया जाल था। ये मेरा माया जाल था जिसमें तुम्हारा देव राजा वो अभिमानी इंद्र सरलता से फंस गया और हमारी योजना सफल हुई। अब अपने आप को समर्पण कर दो कार्तिकेय, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तारकासुर ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया, सारी देवताओं की सेना उसके जाल में फंस चुकी है। महादेव, इतने शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मेरा पुत्र अकेला रह गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये आप क्या कर रही हैं देवी? वही जो एक माँ को करना चाहिए, अपने पुत्र की रक्षा। माँ का कार्य केवल रक्षा करना नहीं होता देवी, आत्मरक्षा सिखाना भी उनका दायित्व होता है। आप जानती हैं, जैसे किसी पौधे को आवश्यकता से अधिक छाव मिल जाए तो वो भी कुमला जाता है, ठीक उसी प्रकार पौधे के उचित विकास के लिए धूप भी उतनी आवश्यक होती है जितनी छाव। देवी, अपने पुत्र और अपनी शिक्षा पे विश्वास रखिए। वाह पिताजी, क्या योजना बनाई है आपने! सारे देवता अभी तक हमारे माया जाल में फंसे हुए हैं और उधर वो शिवपुत्र ताराक्ष के सामने अकेला रह गया। विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती है पुत्र, योजना बनाकर अपनी शक्ति के उचित प्रयोग से मिलती है, जैसे अब हमें मिलेगी इस शिवपुत्र पर विजय। स्वामी का इतना अधिक अहंकार मेरे मन में भय क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्या हुआ सेनापति कार्तिकेय?
अपने रक्षक देवताओं को बंदी देखकर मन घबरा रहा है? चिंता मत करो, युद्ध में किसी निर्दोष का रक्त बहे उसके पक्ष में मैं भी नहीं हूं। इसलिए यदि मुझसे भय ना लग रहा तो आओ हम दोनों, केवल हम दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और अपने बाहुबल से इस युद्ध का परिणाम निश्चित कर ले। माता इतनी चिंतित क्यों है? सेना का कार्य अपनी सेनापति की रक्षा करना नहीं होता, विपक्षी सेना से युद्ध करना होता है और सेनापति का कार्य उस युद्ध का नेतृत्व करना होता है। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है असुर, जो शस्त्र उचित लगे चुन लो। शिवपुत्र तो भयभीत है, आक्रमण करने के स्थान पर ताराक्ष के प्रहारों से बचने का प्रयास कर रहा है। ताराक्ष के सभी प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। तुम्हारी योजना सफल हो रही है पुत्र, असुर थक रहा है। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। कार्तिकेय की युद्ध कला प्रशंसनीय है, किंतु अब भी इसकी बड़ी परीक्षा शेष है, जब स्वयं तारकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आएगा।